देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम पहले ही कह रहे हैं ये सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है, और ये सरकार बनने के बाद में दलितों पे जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया था, और आज हालत ये है। सलूमपुर की जो घटना है, ऐसा राज सरेआम जिस प्रकार से एक दलित शिक्षक को तलवार से काट दिया गया, घर में घुस के काट दिया गया, वहाँ की जो वीडियो और फोटोज आ रही हैं उनको देख के ही दिल दहल जाता है। ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर बन रही है, कहीं नज़र नहीं आ रहा कि सरकार दलितों के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दलितों को लगातार मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार सो रही है। आज की ये जो घटना है, इस घटना के बावजूद प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। कल से लेकर आज तक परिवार की कोई मदद नहीं की गई। परिवार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कर रहा है, परिवार संविदा या दूसरी नौकरी की बात कर रहा है, परिवार चाहता है कि उनको आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं। और मैं एक डिमांड और रखूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी हमारे दलित समाज के लोगों ने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, जिनको धमकियां दी गई हैं, उनको लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज कानून व्यवस्था जीरो है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह से लेकर अब तक वहाँ सैकड़ों हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाना चाहते हैं हमारे सांसद, तो उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये हालत वहाँ पे है। खुद मैंने स्वयं सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहली बार सदन के अंदर चर्चा के दौरान आए, मैंने उनके सामने भी इस बात को सुबह उठाया था, उनकी नॉलेज में लेके आया था कि इस प्रकार की घटना घटी है रात को, आप उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार दलितों के पक्ष में सोचती नहीं है, दलित इनको दिखते नहीं है, ये नहीं चाहते कि दलितों की रक्षा की जाए। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ इस सरकार पे, अगर दलितों का ये सम्मान करना चाहती है, दलितों की ये रक्षा करना चाहती है, दलितों को संविधान सम्मत रखना चाहती है, तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और उस परिवार की मदद करे। मैंने सुना नहीं। मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने सुना नहीं उस समय में। आप बोलो कुछ। और एक 23 करोड़ रुपए में, वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सुबह जिस प्रकार से क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी थी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई मेरा 10वीं बार ये स्टेटमेंट है, इस सरकार पे सीधा आरोप है कि इन सरकार के मंत्री हमारे जवाब नहीं दे रहे। सुबह भी 4 मंत्रियों के द्वारा जो प्रश्नकाल था उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनका स्पेसिफिक हमें जवाब नहीं दिया गया। सदन के अंदर वापस फिर स्थिति बिगड़ती है, सत्ता पक्ष के लोग हम पे आरोप लगाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा है कि आपकी घोषणा है, आपने अपना जो घोषणा पत्र उसमें कहा था कि हम किसान की बाजरे की फसल जो है समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे, तो कब खरीदोगे? आपने कहा था हम समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपये देंगे, कब दोगे? आपने कहा था हम किसान को 6000 रुपये साल के अलग से किसान सम्मान निधि देंगे, आपने 1000 रुपये दिए अभी तक, वो कब दोगे? तो आपकी मंशा किसान के पक्ष में नहीं है। आप किसान को समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, आप किसान की फसल नहीं खरीद रहे, आप किसान को सम्मान निधि नहीं दे रहे, आप किसान को बिजली नहीं दे रहे, आप किसान को पानी नहीं दे रहे, तो आप किसान की मदद कहाँ से कर रहे हो? न आप किसान का कर्जा माफ़ कर रहे हो, जो मोदी जी की घोषणा थी, हमने कर्जा माफ़ किया 72,000 करोड़ रुपए का। हमारी देश के अंदर जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने माफ़ किया 15,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव के कर्जे,
हमारी पिछली गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर माफ किए और ये इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि हम किसान की मदद नहीं करते।